सैद नगर के बड़कुसिया के रोड पे हम बैठे हैं, मौजूद हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है। नॉलेज प्लस को जो टीम है हमारी, ऐसे रोज़ेदारों की तलाश कर रही है जो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसे मेहनतकश रोज़ेदार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं और इनसे जानते हैं ये किस तरह से रोज़े रखते हैं। जी आपका नाम क्या है? शौकत अली। शौकत अली, तो शौकत अली भाई आप जो है सारे रोज़े रखते हैं? इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखते हैं। नमाज तरावी? नमाज तरावी भी सारी पांच टाइम की होगी। भूख प्यास किस तरह से बर्दाश्त करते हैं आप? भूख प्यास इस तरह से बर्दाश्त करते हैं हम, अल्लाह ताला हमें रोज़े की नियत करते हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे देता है। जब अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता है तो हम बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, तो ये आप घर का काम करते हैं या इसके अलावा कोई और भी काम करते हैं? हम इसके फल का काम करते हैं, इसलिए कि हमारा रोज़े का गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए कि हम अपना आराम से ठंड में सुकून से बैठे रहते हैं। हमारा टाइम जो है वो सुकून से कट जाता है। अभी पिछले दिनों में काफ़ी लंबी लू चली है, दो चार दिन पहले, अब तो आज तो खुदा का शुक्र है इंशाल्लाह आज ठंडा मौसम रहा है। और उसमें भी हमारे हलक पर कांटे जम गए और हलक पर सूख की जगह छिछड़े जम गए, इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और हमने अपने रोज़े सारे मुकम्मल रखे। और आज की हिम्मत ये है कि इंशाल्लाह जो बरकरार बाकी रह गए हैं उन्हें भी पूरे मुकम्मल करेंगे। और अपने भाइयों से, हम साथी वालों से भी ये कहते हैं, जो हमारे भाई यहाँ बैठते हैं, गुजरते हैं रास्ते पर और वो निकलते हैं हमारे मुसलमान भाई, तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई ये हमारे आप भी रोज़ा रखो, ये मुबारक महीना है। देखिए हमने शौकत भाई से मालूम किया आप किस तरह रोज़े रखते हैं, भूख को किस तरह बर्दाश्त करते हैं, प्यास को बर्दाश्त करते हैं। तो इन्होंने कहा हमें अल्लाह हिम्मत देता है, हम रोज़े की नियत करते हैं। हमने इनसे पूछा कि इस फल के अलावा ये बेचते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो इन्होंने हमसे कहा खेती किसानी भी करते हैं। और इससे पहले बहुत तेज़ लू थी, दो दिन पहले तपिश थी, हमें बहुत प्यास लगती थी, लेकिन हमने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा और आगे भी इंशाल्लाह सारे रोज़े रखेंगे। और हमारी नॉलेज प्लस की टीम आगे भी ऐसे रोज़दारों की खोज करती रहेगी। क्षेत्र सैद नगर, नॉलेज प्लस, राहत अली गुड्डू, काशीपुर, रामपुर।